हेलो एवरीवन, टुडे इज आवर टॉपिक इज क्लास 9 चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? इज द सेल, यानी कि हमारी जो सेल है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो सेल है ना वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों यूनिट है लाइफ की। सेल डिस्कवर किसने की थी पहले बार? सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1831। कॉर्क स्लाइस में से इसने सेल की डिस्कवरी की थी। कॉर्क स्लाइस ली थी इसने फ्रीली। इसने रॉबर्ट जो हुक है उसने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी और फ्री लिविंग की डिस्कवरी की थी लिवन हुक 1674 में। न्यूक्लियस ऑफ द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस और रॉबर्ट हुक इस सेल की डिस्कवरी की थी। सो रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के न्यूक्लियस की और लेकिन जो सेल स्ट्रक्चर है उसकी की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की स्टडी कब की थी? 1831 में। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जो फ्लूड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सेल में उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और इसकी डिस्कवरी की थी पुरकंजी ने 1839 में। कब की थी पुरकंजी? 1839 में। अब भाई हमारे पास सेल आ गई, फिर सेल की किसी ने कुछ कहा कि भी सेल ऐसे ही फ्री लिविंग अपने आप बनती रहती हैं। लेकिन फिर सेल्डन एंड सचेवन, यानी सेल्डन ने 1838 में और सचेवन ने 1839 में सेल थ्योरी दी और इसको एक्सपेंड किया विर्चू ने इस 1855 में। इस थ्योरी में क्या था? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितनी भी जो नई सेल बनती हैं वो कहाँ से बनती हैं? पुरानी सेल्स के डिवीजन से। यानी कि अगर ये हमारे पास पेरेंट सेल है तो इसमें दो डॉटर न्यूक्लियाई, दो डॉटर सेल दिए, एक ये और दूसरी ये। यानी कि जितनी भी ये सेल है किस इसमें किसका मटेरियल है? जो हमारी पेरेंट सेल थी, पीछे वाली सेल थी उसका मटेरियल। यानी कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। भाई हमने सेल की डिस्कवरी कर ली, फिर उसमें सेंट्रल में एक चीज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हमने न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हमने प्रोटोप्लाज्म बोल दिया। अब ऑर्गेनाइजेशन आती है ऑर्गेनिजम्स की, भाई कितने टाइप के फिर हमने सेल्स के बेस पे डिवाइड करे हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, हमने दो यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट थी सभी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे दीज ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल, यानी कि वन सेल इज प्रेजेंट विच परफॉर्म देयर फंक्शन। जो एक ही सेल थी वही सारे काम करती थी, चाहे रेस्पिरेशन होगा, डाइजेशन होगा, एक्सेट्रा और जो भी काम है। इसके एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। एंड अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। मल्टी इससे ही पता है, मल्टी यानी कि बहुत सारे, यूनि मतलब वन और यहाँ पे मल्टी आ गई बहुत सारी, यानी कि मैनी सेल्स ग्रुप टूगेदर टू परफॉर्म देयर फंक्शन। इसमें बहुत सारी सेल मिलके कोई एक भी काम को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती थी, जैसे फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं सेल्स के बेसिस पे हमारे कितने वो आए। दो टाइप के थे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो वो होते हैं लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती। हैव इन यूकैरियोटिक हैं, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। यू कैरियो जो शब्द है कैरियो वो रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस को। यू मतलब इनमें प्रेजेंट है, प्रो मतलब प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस इज अब्सेंट, न्यूक्लियोलस इज अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड न्यूक्लियोलस यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं है। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल मोड है, यानी बल्कि जो हमारे यूकैरियोटिक इसमें दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है इसमें, सिंगल और मल्टी क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक में। यूनिसेलुलर होते हैं मेनली, ये मल्टी सेलुलर होते हैं यूकैरियोटिक्स।
इसमें प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होती हैं, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती हैं। सेंट्रियोल इज अब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में हमारा जो सेंट्रियोल है वो प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन मेनली शो बाय द बाइनरी फ्यूजन इन प्रोकैरियोटिक्स एंड सेल डिवीजन इन यूकैरियोटिक इज ऑन द बेसिस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। देर आर टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर इन यूकैरियोटिक। अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती, मेनली यूनिसेलुलर होते हैं, तो इसके बेसिस पे एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड यूकैरियोटिक्स में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोट्स के एग्जांपल आ गए फंजाई, प्लांट सेल, एनिमल सेल। अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस को वो करते हैं। इनमें सेल वॉल, इन एनिमल सेल सेल वॉल इज अब्सेंट। इन प्लांट सेल में हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसमें सेल वॉल नहीं, इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में। इसमें प्लास्टिड अब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड सेंट्रियोल्स अब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में। गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं एनिमल सेल में और प्लांट सेल में अब्सेंट होती हैं। वैक्यूल आर प्रेजेंट एनिमल सेल में, या तो वैक्यूल अब्सेंट होते हैं। अगर प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल, मान लो ये हमारी सेल है तो बिल्कुल माइन्यूट सा छोटा सा ही प्रेजेंट होगा, अगर प्रेजेंट होगा तो, वैसे मेनली अब्सेंट ही होते हैं। वैक्यूल में प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं बहुत। अगर ये हमारी सेल है तो इसका ये लगा लो 60-50% जो एरिया है वो वैक्यूल अकवर करेगा। सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है। रिजर्व फूड जो मटेरियल एनिमल सेल का वो ग्लाइकोजन है और प्लांट सेल का जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट सेल भी। हेटरोट्रॉफिक मोड से क्या है कि ये कभी भी अपना खाना खुद नहीं बनाते, या ये प्लांट्स पे हो या फिर किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारी एनिमल सेल है, ये जो हमने ये बनाई, ये गोल्गी अपरेटस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मैम्ब्रेन, ये जो हमारी है ये न्यूक्लियस है, लाइसोसोम, ये जो अंदर वाली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो ये इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है ये साइटोप्लाज्म है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम प्रेजेंट है यहाँ पे ऐसे से। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल में ये सेल वॉल है जो इसके अंदर वाली है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वैक्यूल है जो हमारा इतना बड़ा है, ये न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो हमारी प्लांट सेल उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, साइटोप्लास्ट। अब हम बात करें जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल को प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, या फिर जो एक्सचेंज होना होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल के अंदर, जिसका इंटरनल इन्वायरमेंट है, उन स्ट्रक्चर्स के बाद जो, तो हमारे सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। ये आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इनकी आउटरमोस्ट कवरिंग है सेल की और सेपरेट करती है सेल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है मेनली। ऑल्सो कॉल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ सिलेक्टेड ही पार्टिकल्स का इन और आउट में हेल्प करती है, अदरवाइज ये सभी जो पार्टिकल्स हैं हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका इन और आउट नहीं कर, आउट की जो मूवमेंट है इन और आउट में जो परमिशन हमें चाहिए होती है वो नहीं देती है, यानी कि प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है उसको प्रिवेंट करती है यानी कि रोकती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं जो सेल मेम्ब्रेन वो हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है।
अब हम बात करते हैं अलो सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर कुछ ही मटेरियल्स का इन अंदर और बाहर जाना अलो करते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन। प्रॉपर्टीज क्या हैं? सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज क्या आ जाती हैं? फ्लेक्सिबल है, यानी कि बहुत मूवमेंट शो करने वाली है। फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एंडोसाइटोसिस, यानी कि एंडोसाइटोसिस में हेल्प करती है। अगर कोई भी सेल आई, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है यहाँ पे एक्सटर्नल, उसको इनगल्फ करने में, यानी कि ये सेल ऐसे चली जाए तो ये पार्टिकल अंदर चला जाएगा और फिर उसकी इसको किल करने में हेल्प करती है। फूड, अगर जैसे कि अमीबा है, अमीबा अगर ये फूड पार्टिकल यहाँ पे है तो ये अमीबा है, तो इसको ये ऐसे करेगा फिर थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसके चारों तरफ अपने ऐसे कवर हैं तो ये फूड अंदर चला जाएगा और फिर इसको खा लेगा। अमीबा एक्वायर्स फूड थ्रू दिस प्रोसेस। जो एंडोसाइटोसिस है, इसके थ्रू ही हमारा अमीबा है वो फूड लेता है। अब हम बात करते हैं कि सेल वॉल के फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है? परमिट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि कुछ ही मटेरियल्स का ये इन और आउट अलाउ करती है। प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर पार्टिकल्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सेल एज इट एक्ट्स लाइक सिलेक्टिवली परमिएबल मैम्ब्रेन, यानी कि कुछ पार्टिकल्स का मूवमेंट को रोकती है, तो इस जो सेल को रिक्वायर्ड नहीं है तो इस ये एक्ट करती है एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मैम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं सेल वॉल, जो कि हमारी प्लांट सेल में, अब हम बात करते हैं सेल वॉल की जो हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। स्टार्ट करते हैं सेल वॉल। दिस इज एन आउटर कवरिंग इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन द प्लांट सेल। कि रिजिड यानी कि सॉलिड, बहुत सॉलिड है, आउटर कवरिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है साथ में, प्लांट सेल में मिलती है, यानी कि जो हमारी सेल वॉल है वो प्लांट सेल की आउटर कवरिंग को बोलते हैं। लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही, अगर ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर प्रेजेंट होती है सेल वॉल। कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से बनी होती है। प्रोवाइड, जो हमारा सेलुलोज है वो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फंक्शन क्या है सेल वॉल के? अब हम बात करते हैं फंक्शन, फंक्शन क्या है? परमिट प्लांट फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड विद डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग, यानी कि ये फंजाई और प्लांट्स है, प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इसको परमिट करती है कि भी बाहर कितनी ही गर्मी हो, कितनी ही सर्दी हो, उसके साथ वो रह सकें, ब्रस्ट ना हो जाए अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ज्यादा अफेक्ट ना करें इनको। सेल टेंड्स टू टेक वाटर बाय ऑस्मोसिस, जो हमारी वाटर सेल वाटर लेती है वो किसके थ्रू लेती है? ऑस्मोसिस, यानी कि हाई टू लो कंसेंट्रेशन। अगर बाहर वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर कम है तो ये पानी ऑस्मोसिस से ऐसे चला जाएगा बाहर से अंदर बाय ऑस्मोसिस। हमने बात कर ली सेल मेम्ब्रेन की, सेल वॉल की। अब हम बात करते हैं जो सेल के अंदर एक सेंट्रल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? हैज डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। टू लेयर कवरिंग है, अगर ये हमारा मान लो न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक और कवरिंग है, ये कंटिन्यू होती है, इसमें बीच में गैप होता है ऐसे करके, ऐसे करके ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। डबल लेयर है, यानी कि एक बाहर वाली एक अंदर वाली, ये दो जो है, एक ये सिंपल करके बताएं तो ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। हैज पोर विच अलो द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। आउटसाइड से मतलब है कि ये नहीं कि सेल से बाहर, न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर। ये पोर जो है, ये गैप है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये अलोक, इनके पास पोर होता है जो ट्रांसफर करता है जो भी अपन हमारा न्यूक्लियस में जो भी मटेरियल बना है उसको बाहर साइटोप्लाज्म में।
न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विजिबल एज रोड लाइक स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर ओनली व्हेन सेल डिवीजन ऑकर, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो हमारा क्रोमोसोम कंटेन करता है, वैसे तो हमें ये दिखते नहीं, लेकिन जब मेनली हमें ये तब दिखते हैं जब सेल डिवाइड करती है, किस शेप में होते हैं ये रोड, यानी कि ऐसे ये जमा है वो हमारा क्रोमोसोम आ गया, रोड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं ये। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम हैज इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम डीएनए की फॉर्म है जो क्या करता है, इनहेरिटेंस करेक्टर लेके रखता है जो कि पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन यानी कि पेरेंट से चाइल्ड के अंदर जाते हैं। इनहेरिटेंस करेक्टर रहता है जो हमारे चलते रहते हैं, अगर हमारे दादा से पापा में आए, पापा से अब हम में, हमसे हमारे बच्चों में। डीएनए प्लस प्रोटीन मिलकर बनाते हैं क्रोमोसोम। जब कोई सेल डिवीजन नहीं होकर होता है, डीएनए ऐसे जब डीएनए क्रोमेटिन तक ही रहता है जब कोई सेल डिवीजन हो। क्रोमेटिन क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जब सेल डिवीजन व्हेन सेल डिवीजन विल ऑकर, जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमेटिन अरेंज होता है क्रोमोसोम की फॉर्म में। ऑल्सो कंट्रोल ऑल अदर, जो हमारा न्यूक्लियस है वो सिर्फ क्रोमोसोम और इनहेरिटेंस करेक्टर ही नहीं होल्ड करके रखता, जो और अदर एक्टिविटीज हैं उनका कंट्रोल भी कि हमारे किसके पास है, न्यूक्लियस के पास। कंट्रोल सेल रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने में भी हमारा न्यूक्लियस ही हेल्प करता है। ये सेल है, इससे ये हमारी एक सेल ये बनी है, इसमें जो करेक्टर्स आए, इन दोनों में जो करेक्टर्स आए हैं वो कहां से आए हैं? इस पेरेंट सेल से, यानी कि जो पहले सेल थी उससे। न्यूक्लियस के बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के, जो फ्लूइड कंटेंट सेल के अंदर, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये सेल है तो इसके अंदर जो फ्लूइड कंटेंट होता है वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म। फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड कंटेंट है वो हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कंटेन मेनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। सेल ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं? परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं कुछ स्पेसिफिक सेल्स। अब हम बात करें सेल ऑर्गेनेल्स में आता क्या क्या। ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा फर्दर डिवाइड होता है टू में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइजोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। अब हम इनके आगे फर्दर बात करेंगे एक एक सेल ऑर्गेनेल्स की अलग अलग। पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इसको हम बोलते हैं ER। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेली है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ट्यूब्स और शीट्स लाइक होती हैं, यानी कि या तो ट्यूब होगी या फिर शीट्स, ऐसे शीट्स ही होंगे। ये हमारी ट्यूब्स और लुक्स लाइक ट्यूब्स और शीट्स की दिखती है, जैसे दिखती है। एक्ट एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस और बिटवीन द रीजन ऑफ इन साइटोप्लाज्म। ये जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस से जो हमारा मटेरियल साइटोप्लाज्म में आता है उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही कहीं मटेरियल को यहां से वहां जाना है उसमें भी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अगर मान लो हमारा न्यूक्लियस है, इसके साथ में ही अटैच होता है ये हमारा एंडोप्लाज्मिक। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो वो है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर जैसे इस पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है ये, तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने लिख दिया ER। इसके दो पार्ट हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ को हम SER और रफ को RER।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें एबसेंस ऑफ राइबोसोम, यानी कि इसके अंदर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते। हेल्प इन मैन्युफैक्चर फैट्स और लिपिड्स की के बनने में ही हमारा हेल्प करता है, प्रोडक्शन में भी हमारा हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ किस लिए है, क्योंकि अगर ये हमारा अगर प्लेन होगा तो ये स्मूथ हो जाए। रफ यानी कि इसमें ऐसे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। फंक्शन क्या क्या है, सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल लिपिड्स, जो हमारे भी कुछ इसेंशियल लिपिड्स हैं उसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है।